आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैंने मना किया था ना आपको इधर उधर नहीं भागना है, फिर भी आप समझते नहीं हो बिल्कुल भी। सॉरी मम्मा। क्या कहा इसने? मम्मी मैंने तुझसे कहा था ना अपनी सच को मत छुपा। अब देख तू सामने नहीं ला पाई तो रब इस सच को सामने ले आएगा। जानबूझकर उस शादी में धकेल रही है, तू जानती है ना अच्छी तरह से, तुझे दिख रहा है कि नहीं? 10 साल पहले मजबूरी थी लेकिन अब मजबूरी नहीं है। तेरे बच्चे को भी अब सच पता है। और नील तुझे दिया हुआ गिफ्ट वापस तेरे लिए खरीद के ला रहा है क्योंकि वो इस रिश्ते को जिंदा रखना चाहता है। अपनी वो इस ऑर्फनेज को डोनेट कर रहा है क्योंकि तुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहता। अपनी प्लीज देख, अभी भी वक्त है, प्लीज उसको रोक ले। मैं उसे नहीं रोक सकती, मेरी तरफ से अब वो आजाद है। और गिफ्ट वापस देने के पीछे उसके जज्बात अलग है सुनहरी, और मिताली से शादी के फैसले की बात अलग। अब मैं उसके और मिताली के बीच में नहीं आऊंगी। मैं और नील अब कभी साथ नहीं हो सकते, कभी नहीं। मम्मा, मैं आज आपके साथ सोऊंगा। आ जाओ यहाँ पे सो जाओ। अरे ये पेपर पेन क्यों? मम्मा आपने कहा था ना पापा किसी और जगह रहते हैं जहाँ हम नहीं जा सकते, करेक्ट? लेकिन लेटर तो जा सकता है, मैं उनको लेटर लिखूंगा। लेकिन क्या लिखूं? सबसे पहले माय डियर पापा लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मोगली, मैं आपकी लेटर लिखने में हेल्प करूंगी, लेकिन अभी आप सो गए, कल सुबह जल्दी उठना है ना। सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही, रोई सुनाओ ना प्लीज। आओ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, आओ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में, परियों के भेस में। अरे नारायण जी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए, काम बहुत है, समय बहुत कम। ये गिफ्ट्स यहाँ क्यों रखे हैं? जाके अंदर रखिए ना, मेहमान आने वाले हैं। और हाँ टेबल में अच्छे से सजाना, ये नहीं कि ऐसे रख दिया बस।
आपको क्या हो गया? ऐसे उदास क्यों हैं आप? सब ठीक तो है ना? श्वेता जी, आपने अग्नि को बुलाया? हम अग्नि को यहाँ कैसे बुला सकते हैं? क्यों? नील और मिताली की एंगेजमेंट है और अग्नि, तीनों आपको पता है कितने अनकंफर्टेबल होंगे ये सब देखकर। और अग्नि पर क्या गुजरेगी जरा सोचिए आप। उसकी अपनी स्पेस है, अपना इमोशंस। मुगली यहां भी नहीं है, मेरे रूम में भी नहीं है। क्या दीदी, वो मेरा फेवरेट सुपर हीरो टॉय है। मुगली कोई बात नहीं ना, हम ढूंढ लेंगे। अगर नहीं भी मिला ना हमें तो मैं आपके लिए नया ले आऊंगी। लेकिन वो मेरा फ्रेंड है बचपन से, और फ्रेंड को कभी बदला नहीं जाता। शायद से वो सुपरमैन की कार में रह गया होगा। चलो ना जल्दी से हम उसे लेकर आते हैं। मुझे मेरा फ्रेंड था। अपनी, उसका वो टॉय चारों तरफ से टूट चुका है, लेकिन फिर भी उसने कभी तुझसे एक नया टॉय नहीं मांगा। एक्चुअली उस टॉय से बहुत ज्यादा अटैच है। कहता है कि उसका डैड सुपर हीरो टॉय जैसे होंगे। मुझे सुपरमैन के घर ले चलो, वही होगा। नील के घर कैसे जाऊं? हे मंगलमूर्ति, आज तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मैंने उसे आपका फैसला मानकर स्वीकार किया है। मगर आज हमारी जिंदगी एक अजीब दुविधा में है। सुनिए, प्लीज तुम ले जाओ ना मुगली को वहां। मैं कैसे जा सकती हूँ? बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, मुझे तक इनकी टीचर से भी मिलना है, फिर घर आकर ये सारी रिपेयर वर्क जो है वो भी देखने बैठ भी जाना है। मैं नहीं आ सकती बिल्कुल भी। मुगली, मैं अग्नि प्लीज चली जाना, थोड़ी देर की तो बात है, क्या होगा? चलना सुपरमैन के घर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ले चलूंगी, लेकिन तुम अब रोना बंद करो। नील और अग्नि एक दूसरे से अटूट प्यार करते हैं, मगर वो जानते हैं वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। आज तक आपने मुगली के जरिए नील और अग्नि के प्यार को बांधे रखा। नील का ये नया रिश्ता एक मासूम जिंदगी को अपने भवन में लपेट लेगा, उसे खत्म कर देगा। अब आपकी कृपा ही नील और अग्नि को साथ ला सकती है। सिर्फ आप ही इस रिश्ते को बचा सकते हैं। मुझे मेरा पूरा परिवार दे सकते हैं। मैं सुपरमैन और प्रकाश अंकल को मेरा टॉय ढूंढने के लिए बोलूंगा, और श्वेता आंटी मेरे लिए हलवा बनाएंगी। ठीक। कितना जल्दी हो गया ना मिताली के लिए ये सब। हाँ, कल ही उसने मुझे बताया कि आज नील के साथ उसकी सगाई है। सिर्फ फैमिली और इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स को ही बुलाया है उसने। मोगी, हम ना कल आ जाएंगे, आज हम सबको डिस्टर्ब नहीं करते। सब नहीं, हमें देखकर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, हमें देखकर तो सब हैप्पी होंगे। नहीं मोगली, आज नहीं जा सकते हम। चलो। नहीं मोगली, मोगली, मोगली। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, प्लीज आइए। अरे अरे मोगली, आप यहाँ पे कैसे? अरे अरे बेटा, तुम यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? मम्मी जी, I'm really sorry, baby. अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। नहीं लगता तो नहीं, परेशान क्यों है पुत्र?
नहीं बेबे, ऐसी कुछ बात नहीं है, वो मोगली अचानक से अंदर आ गया। मोगली, 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 क्या हुआ? मोगली, क्या हुआ? मोगली, हे भगवान, क्या हो गया? क्या हुआ? उठो, 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 क्या हुआ? कैसे कैसे गिर गए आप? इधर लगी मम्मा। मैंने मना किया था ना आपको इधर उधर नहीं भागना है, फिर भी आप समझते नहीं हो बिल्कुल भी। सॉरी मम्मा। क्या कहा इसने? मम्मी, मैंने तुझसे कहा था ना अपनी सच को मत छुपा, अब देख तू सामने नहीं ला पाई तो रब इस सच को सामने ले आएगा। हम सबके लिए अच्छा ये होगा कि तू ये सच अपने मुंह से खुद बताए सबको। सबके लिए अच्छा ये होगा कि तू ये सच अपने मुंह से खुद बताए सबको। सुपरमैन, सुपरमैन! ये क्या मोगली को भी नील की तरह मूंगफली खाने से एलर्जी है? भी हम कैसे नहीं देख पाए हमारा बच्चा। देख श्वेता, ये बिल्कुल हूबहू नील, हमारा छोटा नील। नील, मैं झूठ बोल करके घर छोड़ के चली गई। हम सबने तुम्हें माफ किया, तुम घर वापस आए, फिर से हमें छोड़कर चली गई, हमने फिर भी तुम्हें माफ किया। लेकिन मोगली, मोगली हमारा पोता है, इतना बड़ा सच हम सबसे छुपाकर तुमने हमारे जज्बातों से खेला है। अम्मी, तुम्हें इस बात के लिए माफ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं माफ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों
इतनी बड़ी खुशी हमसे छुपाई? ये तेरा डर था या स्वार्थ? बता, हमारे घर के चिराग को हमसे दूर रखा तूने, क्यों किया? जवाब दे, है कोई जवाब तेरे पास? इसे और कुछ नहीं धोखा कहेंगे, अपनी सिर्फ धोखा। देख पुत्र, श्वेता जी को और बेबी को तो मैं संभाल लूंगा, पर नील को इस वक्त केवल तू ही समझा सकती है। जा उसके पास जा और जाके उसे सब कुछ बता दे। मना ले उसे। Stop.